बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ इरम शहजादी और मैं हूँ अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी काम का आगाज कर दिया। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म को आज गॉड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। ऐवान सदर में वज़ीर आज़म की हलफ बरदारी की सादा और पुरवकार तकरीब। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हलफ लिया। तकरीब में अहम सियासी और समाजी शख्सियात और अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी की मुबारकबाद। कहा, हिंदुस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के ख्वाह हैं, अपने लोगों की फलाह और बहबूद को यकीनी बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म को तुर्क सदर अर्दवान की फोन करके मुबारकबाद। व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तज़किरा। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पर नून लीग के कारकुनों का जश्न। लाहौर में ढोल की थाप पर भंगड़ा, घोड़ों का रक्स भी कराया। खोखर पैलेस और दीगर मकामात पर आतिशबाजी, मिठाई तकसीम। होटल में मुकीम मुतहिदा अपोजिशन के अराकान ने भी नारे लगाए। रावलपिंडी, कुचनावाला, नारोवाल, मुल्तान, कसूर और दीगर शहरों में जश्न। लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर भी जश्न मनाया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर निकलकर मुजाहरे किए। 4 सदम में फारूक आजम चौक में एहतजाजी रैली निकाली गई। जतोई में झगी वाला चौक से फताफी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। भारत में अकलियतों की जिंदगी अचीरन कर दी गई। जुनूनी हिंदुओं का मस्जिद पर धावा, जाफरानी झंडा लहरा दिया। जुनूनी हिंदुओं का पटना में राम नवमी त्योहार पर मस्जिद के सामने जुलूस। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।